Assalamualaikum, dear students. Today we start our next topic of third unit, that is money management. As you know that in previous lecture we discussed two resources, energy resource and the time management. How can we manage these two resources? Now the next natural resource that we have to manage is the money management. As you know that money is very important in order to meet our daily needs, and especially it is important for future financial goals. ठीक है, because जो हमारी daily basic needs है, they are based on the money. So as per the money, you are frame the goals, your needs or life standard it may vary for as per the money. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स. फैमिली इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स टू फुलफिल फैमिली नीड्स, इज़न्ट? बिकॉज जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी नीड्स, उनकी डिमांड जो है, वी कैन फुलफिल एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी. फैमिली इनकम इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ अर्निंग ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज सच एज सैलरी एंड वेज, इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक, रेंट ऑफ अ हाउस, पेंशन, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल अलाउंस, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी. सो व्हेन वी टेक टॉक अबाउट द फैमिली इनकम, इट इंक्लूड्स ऑल द सोर्सेज ऑफ द इनकम दैट कम फ्रॉम द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स. एज यू नो दैट इन अ फैमिली देयर आर डिफरेंट फैमिली मेंबर्स एंड दे वर्क ऑन डिफरेंट बेसिस और डिफरेंट सेक्टर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली इनकम, इट इंक्लूड्स ऑल द सोर्सेज ऑफ द इनकम फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, इधर देयर सैलरी, वेज, इन्वेस्ट investment or rent of a house, interest or other facilities or other sources. ठीक है, सो फैमिली इनकम है, पर्सनल इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल की होती है. ठीक है, बट फैमिली इनकम में हर एक मेंबर की जो काम करते हैं उनका जो सोर्स होता है इनकम का, वो इंक्लूड इसमें हो जाता है. इज Now the income, we classify the income into three groups: money income, रियल इनकम एंड साइकिक इनकम. थ्री टाइप्स की इनकम होती है. रियल इनकम आ जाती है डायरेक्ट रियल इनकम और इनडायरेक्ट रियल इनकम. नाउ हाउ कैन यू मैनेज दिस मनी एज अ रिसोर्स? एज यू नो दैट इट इज़ वेरी लिमिटेड एंड यू फ्रेम द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी. सो दिस मनी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज आवर डेली नीड्स गेट्स फुलफिल्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस मनी. सो देर आर थ्री स्टेप्स बाई विच यू कैन मैनेज दिस मनी. One is planning, second one is controlling of the budget and third is the evaluating. आप देखिए, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे, वो पहले ही बिफोर न्यू ईयर दे फ्रेम अ बजट. ठीक है, बिकॉज वो हर एक एक्टिविटी देखते हैं कि इस साल हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ को फुलफिल करनी है, क्या क्या हमें करना है. सो उन एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए वो मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो वो बजट बनाते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग ऑफ रोड्स या अदर डिपार्टमेंट्स अगर हमें फ्रेम करने हैं या उनको डिफरेंट एस्टैब्लिश करने हैं, सो उसमें कितनी इनकम यूज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं बजट. सो इट मीन्स इट इज़ अ प्री प्लानर, हाउ कैन वी स्पेंड द मनी फॉर अ पीरियड ऑफ द टाइम. इन द सेम वे इन अ फैमिली यू कैन प्लान, प्री प्लान बिफोर स्पेंडिंग द मनी ऑन एनी थिंग बिकॉज बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थ्रू बजट यू कैन सेव द मनी, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रेमिंग द बजट इन अ प्रॉपर वे, द मनी या और द बजट विल गेट डेफिसिट. इट मीन्स कि आप तब लॉस में जाते हैं जब आप बजट को प्रॉपरली फ्रेम नहीं करते. सो फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी और फॉर ईच एंड एवरी रिसोर्स, इन ऑर्डर टू मैनेज योर ऑल रिसोर्सेज, यू हैव टू प्लान दैम. ठीक है, बिफोर यूटिलाइजिंग द रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स. सो बिफोर यू हैव टू प्लान, देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल इन अ बेटर वे. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ मनी मैनेजमेंट इज प्लानिंग. प्लानिंग ऑफ मनी इज नोन एज बजटिंग. सो व्हेन यू टर्म
जब हम मनी मैनेजमेंट की बात करें, उसमें आप प्लानिंग की बात करें, तो इट मींस प्लानिंग, इसमें हम क्या करते हैं, बजटिंग। इन बजट मेकिंग प्लानिंग रिगार्डिंग यूज ऑफ फैमिली इनकम ऑन वेरियस आइटम्स इज मेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैमिली में देखेंगे, बजट बनाएंगे, सो आप देखते हैं कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज है, को क्या मुझे इस साल खरीद है, उसमें आप बजटिंग करते हैं किसमें कितना मनी स्पेंड हो जाएगा। कंट्रोलिंग ऑफ द बजट इज द सेकेंड पॉइंट। After spending money, one has to simply record the daily expenditure, which can be done by using simple diary or notebook, where each day all the expenditure is recorded deed wise in various columns. इसके बाद आप कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मंथ का बजट बनाया, ठीक है, फिर आप डेली जो आप उसमें स्पेंड करते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आप परचेज करते हैं, या कुछ जैसे फैमिलीज ये आपकी रिलेटिव्स आ जाते हैं, कुछ गेस्ट्स आ जाते हैं, या कोई फंक्शन हो जाता है, सो आपको मेंशन करना चाहिए एवरी डे कि इस डे आपने क्या क्या एक्टिविटी, किस में पैसे आपके खर्च हो गए, क्या क्या आपने परचेज किया, ठीक है। इससे आपको लास्ट में क्या समझ में आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिफोर स्टार्टिंग द मंथ आपने 15,000 आपने रखा फॉर मंथ के लिए, सो अगर आप उसके बाद जब आपने पैसे रखे, फिर जब मंथ स्टार्ट होता है, आप हर एक एक्टिविटी, आप हर एक चीज मेंशन करेंगे नोटबुक में कि मैंने आज क्या क्या परचेज किया, उसमें मुझे कितने पैसे खर्च हुए, उससे आपको आइडिया, यू गेट आइडिया दैट वेदर यू आर योर मनी और योर बजट इज इन सरप्लस और योर बजट इज इन डेफिसिट, ठीक है, आप लॉस में जाते हैं या आपके पैसे सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 50,000 बजट रखा था वन मंथ के लिए, मे बी मैंने उसमें ऐसे मनी को स्पेंड किया, यू सेव 5,000, ठीक है, सो दैट इज प्रॉपर प्लानिंग, दैट इज वाई दैट इज द कंट्रोलिंग ऑफ द बजट, बिकॉज ये आपको तब आइडिया मिल जाएगा वेन यू आर राइटिंग ऑल द एक्टिविटीज और ऑल द एक्टिविटीज ऑन विच यू आर स्पेंडिंग द मनी, ठीक है। लास्ट इज आफ्टर रिकॉर्डिंग कीपिंग इवेल्युएशन ऑफ द बजट इज डन। इसके बाद आप देखेंगे जब मंथ फिनिश हो जाएगा, आप देखेंगे टोटल, आप करेंगे कि मैंने एक मंथ जो जो चीज़ें मैंने परचेज की है, मुझे उसमें कितना खर्च हो गया, उससे आपको इवेल्युएट करेंगे कि आपका बजट जो है क्या वो सक्सेसफुल रहा या वो डेफिसिट में गया। दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो अप दीज थ्री प्रोसेस बाई विच यू कैन मैनेज द मनी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बजट। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ इनकम, फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं आप कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, लुक अप द बजट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स और रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट एक्सपेंडिचर सेविंग, ये देखिए, इसीलिए ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। आप बोलेंगे इट इज द वेस्टेज ऑफ द टाइम टू मै रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज इन अ डायरी और इन अ नोटबुक, बट नो, इन फ्यूचर इट विल हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको समझ में आएगा कि लास्ट ईयर मैंने कितना स्पेंड किया था, ठीक है, कितना मुझे इस एक्टिविटी में, किस महीने में मुझे कितना एक्सपेंडिचर हो गया, इस महीने में आप फिर तक कंपेयर करते हैं, ठीक है। रीजनेबली एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ मनी, The resources on expenditure side should be reasonably accurate. The family must be able to determine its present needs and wants and anticipate future changes. ठीक है, जो resources हैं जो आपको expend करने हैं for any activity, ठीक है, ये accurate होनी चाहिए, ठीक है, because ये आपको present future दिखाएगा, ठीक है, बिकॉज जब आप बजट बनाते हैं, इससे आपको प्रेजेंट की सिचुएशन भी समझ में आ जाती है, फ्यूचर की भी और पास्ट की भी, ठीक है। फ्लेक्सिबल द बजट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, बजट इज मेड फ्लेक्सिबल बाय अलाउंग सफिशिएंट मार्जिन ऑन सर्टेन आइटम्स, इट शुड अलाउ यू टू डाइवर्ट सम मनी फ्रॉम वन आइटम टू अनदर एज पर यूर नीड। मे बी अगर आपने रखा, आपकी जो डेली नीड्स है आपने उसमें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी महीने में फिर एक्स्ट्रा गेस्ट आए, तो आपने बजट ऐसा बनाया होना चाहिए कि वो भी इस बजट में एडजस्ट हो जाएगी। दैट इज वे फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए बजट।
Saving. It is the part of family income that is deliberately put away for future use. And everyone is save for, especially for future use or for emergency purpose. इसीलिए हम save कर. Save का क्या मकसद है कि maybe कभी life में ऐसी situation आ जाती है जब availability of money नहीं होता है. So at that time you utilize saving. ठीक है, और इन इमरजेंसी यू यूटिलाइज सेविंग. सो इफ समवन हैज नॉट हैविंग सेविंग सो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन दे आर इन इमरजेंसी और व्हेन दे आर इन और फॉर एग्जांपल लाइक इन नेचुरल डिजास्टर या आपको कभी इमरजेंसी आ जाती है. सो उनके पास अगर सेविंग नहीं होती है दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. दैट इज व्हाई सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नीड फॉर सेविंग क्यों हम सेव करते हैं? फॉर सिक्योर फ्यूचर, एमरजेंसीज, फुलफिलमेंट ऑफ फैमिली गोल्स, टू रेज द फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है गेस्ट्स आ जाते हैं, अगर आपके पास जो मनी है जैसे जॉब ओरिएंटेड फैमिली जो उनके पास लिमिटेड मनी होती है. ठीक है, उनको पता है मेरी मंथ की सैलरी इतनी है, इस सैलरी को मुझे डिफरेंट नीड्स के लिए डिवाइड करना है. इसी में मुझे बच्चे की एजुकेशन भी है, फैमिली की नीड्स भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ईच एंड एवरीथिंग. सो ही और शी नोज दैट आई हैव दिस अमाउंट of money and I have to spend this limited amount of money on all activities. That is why for example जो किसी मंथ में maybe 1,000 to 2,000 ही सेव हो जाएगी. सो जब आप ऐसे करके सेव करते हैं मे बी किसी मंथ में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, गेस्ट्स आ जाते हैं या ऐसा कुछ इमरजेंसी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस टाइम पे आप सेविंग को यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज वाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज फॉर दिस पर्पज यू सेव योर मनी. इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इनकम दैट इज इन्वेस्टेड मंथली और ईयरली इन सम वेल मैनेज्ड प्लान्स टू जनरेट सम एडिशनल इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक्स में पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज हम बनाते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी. ठीक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, तो जो मनी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी लिमिटेड रिसोर्स एंड आवर बेसिक नीड्स आर ऑल आवर नीड्स जो है दे गेट फुलफिल्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी. सो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज दिस लिमिटेड रिसोर्स सो दैट वी कैन अचीव आवर नीड्स एंड गोल्स इन अ बेटर वे. ठीक है, सो देर आर थ्री स्टेप्स बाई विच यू कैन मैनेज योर मनी: प्लानिंग, कंट्रोलिंग द बजट एंड द इवैल्यूएशन. इन केस ऑफ मनी प्लानिंग मीन्स द बजटिंग. ठीक है, एंड हम सेव भी करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द मनी. सो थैंक यू सो मच फॉर